एक ऐसा देश जिसकी आर्मी मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल करती है। अगर आप कैलकुलेटर पे ये नंबर लिखोगे तो आपका आंसर हेलो आएगा। एक ऐसा देश जहां इंडिया का एक रुपया 571 रुपीज होता है। और क्या आपने कभी सोचा है ये कॉइन्स के नीचे डॉट का मतलब क्या होता है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 30, आपने एप्पल्स तो खाए होंगे, पर क्या आपको इसका अंदाजा है कि एप्पल्स के कितने वैरायटीज होते हैं? आपका जवाब 9 या फिर 10 होगा, पर आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि एप्पल के 7000 वैरायटीज मिलती हैं और उसमें से बस 12 वैरायटीज ही नॉर्मली मार्केट में सोल्ड होती है। और इनमें से कुछ एप्पल्स तो इतने ज्यादा महंगे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे सिकाई इची एप्पल की कीमत 9000 रुपए सिर्फ 6 एप्पल्स के लिए है। नंबर 29, आपने ऐसे कई रोड्स देखे होंगे जहां कार चलाना नामुमकिन सा लगता है उसके छोटे और स्लिप टर्न्स की वजह से। पर क्या आपको पता है कि अमेरिका में एक ऐसा रोड है जिसे डेथ वैली कहते हैं और ये रोड 200 किलोमीटर तक स्ट्रेट है और एक भी टर्न नहीं है। और अमेरिका में बस यही एक ऐसी लौती रोड है जहां कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है। और आपने इंटरनेट पे कई इमेजेस देखे होंगे प्लेन रोड्स की, उनमें से 80% इमेजेस इसी रोड की होती हैं। नंबर 28, टीवी वर्ल्ड यानी सिनेमा वर्ल्ड में ऐसी कई चीजें होती हैं जो दिखाना मना होता है और इसे नॉर्मल पब्लिक में नहीं दिखाई जाती। पर 1994 तक टीवी पे फाट मारना मना था, यानी पादना मना था। पर 1994 में एक फिल्म थी और उसमें पुम्बा पहला ऐसा कैरेक्टर था डिज्नी का जिसने टीवी पर फाट मारा। और उसके बाद धीरे धीरे अब ये कई सीरीज और फिल्म में दिखाते हैं। नंबर 27, ये फैक्ट काफी अजीब है। एक आदमी था 66 साल का और उसे अचानक से पेट में काफी दर्द होने लगा और जब वो डॉक्टर के पास गया चेकअप करने के लिए तब उसे ये पता चलता है कि वो आदमी नहीं है बल्कि एक औरत है और उसने अपने जिंदगी के 66 साल एक आदमी बन के बीते हैं। उसका कहना है कि उसके मम्मी पापा उसे बहुत छोटी उम्र से लड़के जैसा ट्रीट करते थे और इसीलिए उसे कभी भी पता नहीं चला कि वो एक लड़की है। नंबर 26, जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट, उनको 23 ईयर से ही टीथ में प्रॉब्लम थी और उन्हें नकली दांत यूज करने पड़ते थे, पर वो टीथ प्लास्टिक के नहीं बल्कि असली मांसपेशियों से बने होते थे और इसीलिए उन्हें वो हर महीने बदलाना पड़ता था। और तो ये भी पता चला है कि वो कई बार अपने कर्मचारियों के और अपने नौकरों के दांतों को इस्तेमाल करते थे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। नंबर 25, हम कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों को अपना पेट बनाते हैं, पर जानिए गिल्बर्ट और ग्राहम के बारे में। असल में ये एक फोटोग्राफर है और इन्हें एक बार नदी में एक क्रोकोडाइल मिला जिसकी हालत काफी खराब थी और ऑलमोस्ट मर चुका था, पर इन्होंने उसे बचाया और उसका ट्रीटमेंट कराया। शुरू में तो उन्हें बहुत डर लगता था पर अब ये काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और आप ये फोटो देख के ये बता सकती हो कि ये साथ में स्विमिंग करते हैं और कितना खुश रहते हैं। नंबर 24, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से किसी को देश छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया हो? अगर आपको लगा है कि क्या मजाक कर रहे हो, पर ये सच है। सऊदी अरेबिया में रहने वाले उमर बोरकान अल गाला को देश को छोड़ना पड़ा, पर बस इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैंडसम थे और गवर्नमेंट को लगा कि इनकी सुंदरता उनके राजा को चैलेंज कर रही है और इतने हैंडसम होने की वजह से लड़की यानी इनके प्यार में पागल हो जाएगी, इसलिए इन्हें देश छोड़ना पड़ा। क्या किस्मत है बेचारी। नंबर 23, आपको ये पता ही होगा कि ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रिल्स का यूज किया जाता है। आपने इंडिया में कई जगह पे देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि ये फॉरेन में बेंच भी बन जाता है और ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन भी। ये 2-in-1 वाला काम करता है, कमाल का आइडिया है ये। नंबर 21, आपको क्या लगता है कि आप लकी हो? अगर हाँ तो जानिए सोथेस बाय के बारे में। इन्होंने गार्बेज सेल के $3 का बाउल खरीदा था बस इसलिए क्योंकि उनको इसका डिजाइन अच्छा लगा था, पर कुछ साल बाद इनको पता चलता है कि इसकी असली कीमत $2.2 million है और ये एक ओरिजिनल चाइनीज मेडिटेशन बाउल है और अब ये म्यूजियम में रखा हुआ है। सोचिए कितना लकी होगा और इसे बेचने वाला उतना ही अनलक्की। नंबर 20, जापान में काम को इतना सीरियसली लिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते और इन्हें अपने काम पे लेट पहुंचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए जापान में अगर कोई रेलवे ट्रेन के सामने आके सुसाइड करता है तो उसकी फैमिली वालों को फाइन भरना पड़ता है क्योंकि उन्होंने सबको लेट कराया और उनको इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा। नंबर 19, क्या आप बहुत ज्यादा सोचते हो छोटी छोटी चीजों के लेके? अगर हाँ मतलब आप ओवर थिंक करते हो, पर क्या आपको पता है कि जो आदमी ओवर थिंक करता है वो दरअसल अच्छे फ्रेंड्स बनाता है और वो काफी अच्छा दोस्त भी होता है क्योंकि ओवर थिंकिंग एसोसिएटेड है सिंपैथी से, जिसे आप दूसरों का अच्छे से ख्याल रख पाते हो उनकी फीलिंग्स को समझ के। नंबर 18, आपने कई प्रकार के लैंग्वेज सुनी होगी जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, पर क्या कभी आपने विस्लिंग लैंग्वेज के बारे में सुना है जिसमें लोग एक दूसरे से सीटी बजा के बात करते हैं? ये लैंग्वेज है स्पेन की और इसे
कहा जाता है सिल्बो गोमेरो और ये लैंग्वेज बस स्पेन के कैनारी आइलैंड पे ही बोली जाती है और इनका कहना है कि आवाज से ज्यादा तेज विसल सुनाई देती है और इसी वजह से वो पहाड़ों पे इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 17, मैं आपको माइक्रोस्कोपिक दुनिया के सबसे अमेजिंग चीजों को दिखाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये एक चींटी का सर है और ये जो आप देख रहे हो ये एक कैट का टंग है यानी कि उसकी जीभ है और ये जो है ये सैंड है यानी कि रेत। और आपको ये देख के क्या लगता है, थोड़ा सोच के देखो, ये असल में एक मच्छर का पैर है। नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि जो शाई पीपल होते हैं यानी कि जो लोग शर्माते हैं उन्हें टॉपिक ढूंढने यानी कि जिससे रिलेटेड उन्हें बात करना है उसे ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब रिप्लाई करने का टाइम आता है तब वो सबसे बेस्ट रिप्लाई देते हैं। नंबर 15, आपने कई देशों की आर्मीज देखी होंगी और उनके हथियार भी, पर आपने ऐसा हथियार कभी नहीं देखा होगा। इराक जो देश है उसकी आर्मीज मिसाइल लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल करती है। वो लॉन्चर्स को इनके पीठ पे बांध देते हैं और फिर उसे लॉन्च करते हैं। उनका मानना है कि ऐसे टाइम बचता है मिसाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। नंबर 14, कैलकुलेटर काफी काम की चीज है, आजकल उसके बिना मैथ्स करना नामुमकिन है, भले ही वो रियल कैलकुलेटर हो या फिर एक फोन पर। पर क्या आपको पता है कि अगर आप कैलकुलेटर पे 0.7734 नंबर टाइप करोगे और उसे उल्टा करोगे तो ये हेलो स्पेल होगा। नंबर 13, अगर हमारे जन्मदिन पर हमें 10 गिफ्ट भी मिलते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर क्या आपको पता है कि शर्ले टेम्पल जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी उन्हें अपने 8वें जन्मदिन पर उन्हें 135,000 तोहफे मिले थे। अब बस आंकड़ों के हिसाब से ही अंदाजा लगा लो कि वहां कितने लोग आए होंगे। नंबर 12, अगर आप कभी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या स्काईस्क्रेपर्स में गए होंगे तो आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि वहाँ एलिवेटर के बाजू में मिरर होता है। पर क्या आपको इसका रीजन पता है, दरअसल वहाँ मिरर इसलिए होता है ताकि अगर लिफ्ट आने में काफी टाइम लगे तो मिरर में देख के आपका वेटिंग आपको कम महसूस हो और टाइम जल्दी पास हो जाए। नंबर 11, मैं आपको दुनिया की कुछ सबसे पहली चीजें दिखाऊंगा। तो क्या आपको दुनिया का सबसे पहला बॉडी बिल्डर पता है, नहीं तो ये देखो, ये है इनकी तस्वीर। और दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा जो था वो ये था, देखिए कितना बड़ा है ये। और अभी जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो ये दुनिया की सबसे पहले बाइक थी और ये जो है ये सबसे पहली कार। और मशीन गन्स जो होती है ये जो है ये उनके दादा हैं, यानी दुनिया की सबसे पहली मशीन गन। और अब आखिर में ये देखो, दुनिया की सबसे पहली सॉकर बॉल। तो अगर आपने ये सब पहली बार देखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नंबर 10, स्वेट सबको आता है, इंसानों को भी और जानवरों को भी। पर क्या आपको पता है कि डॉग्स जो हैं उन्हें बस वही पसीना आता है जहां उनको फर ना हो, जैसे उनका नोज का एरिया, उनके पंजे और उनके कान के नीचे, बस ऐसे ही कुछ जगह है और बाकी पूरी बॉडी में उन्हें पसीना नहीं आता। नंबर 9, आपको ये बात तो पता ही होगी कि हम सोते समय ज्यादातर वक्त सपने देखने में बिता देते हैं। पर क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति अपने दिन का 40% वक्त डे ड्रीमिंग में बिताता है। और अगर आपको ये बात गलत लगता है तो आप ही सोचिए कि आपने आज ही कितनी बार सोचा होगा कि फ्यूचर में कैसे सक्सेसफुल बनूंगा। जैसे मैं दिन में आधा टाइम यही सोचता रहता हूँ कि कब मेरे 1 मिलियन होंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नंबर 8, आपने कई जुनूनी लोगों के बारे में सुना होगा, पर जानिए फ्रांस रोमर के बारे में। इन्होंने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया है, वो भी बस एक कायक पे। इन्होंने ये सफर बस 58 डेज में कंप्लीट किया और ये सफर करीब 95 माइल्स लंबा था। पर न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले ये एक हरिकेन का शिकार हो गए और न्यूयॉर्क की जगह ये लॉस्ट आइलैंड पहुंच गए थे और उसके 25 दिन बाद ये न्यूयॉर्क पहुंचे। नंबर 7, क्या आपको पता है कि ग्रीस में एक स्टेट है जिसका नाम एथोस है, जो कि उसके बाजू के पहाड़ माउंट एथोस की वजह से पड़ा है। और वहां की पॉपुलेशन बस 2000 लोगों की है। पर शॉकिंग बात ये नहीं है, शॉकिंग बात तो ये है कि वहां के 99% पॉपुलेशन आदमी है, यानी कि 1950 आदमी और बस 50 औरतें हैं वहां। नंबर 6, ये तो आपको पता ही होगा कि जो हम हनी खाते हैं वो बीज बनाती हैं। पर क्या आपको पता है कि हम जो हनी खाते हैं उनको बनाने के लिए मधुमक्खी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक टीस्पून हनी बनाने के लिए 12 मधुमक्खी को अपनी पूरी जिंदगी लगा देनी पड़ती है, यानी एक चम्मच हनी को बनाने के लिए 12 मधुमक्खी अपनी पूरी जीवन भर काम करती है। नंबर 5, गूगल हम हर एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे कुछ भी सर्च करें वो गूगल पे आ जाता है। पर क्या आपको पता है कि गूगल में कई सारे ईस्टर
इफेक्ट छुपे हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पे सर्च रश सर्च करोगे तो कुछ सर्कल्स आपके सर्च को खा जाएंगे, और आप एसक्यू सर्च करोगे तो आपका गूगल पेज टेढ़ा हो जाएगा। और अगर आप गूगल पे डू अ बैरल रोल सर्च करोगे तो एक बार आप खुद ही ट्राई करके देख लो और देखो कि क्या होता है। नंबर 4, डिक्शनरी में हर एक चीज का कुछ मीनिंग होता है, पर क्या आपको पता है डिक्शनरी में एक शब्द था डॉट जिसका कुछ मतलब ही नहीं होता था, और इसे घोस्ट वर्ड भी कहा जाता था। ये एक मिस्टेक थी, पर फिर भी ये कई सालों तक डिक्शनरी में था और करीब 10 साल पहले इसे डिक्शनरी से निकाल दिया गया। कमाल है, एक ऐसी चीज जो शब्द के मतलब बताती है उसमें एक ऐसा शब्द भी था जिसका कोई मतलब ही नहीं था और कहीं भी इस्तेमाल भी नहीं हुआ। नंबर 3, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 3 दिल होते हैं और 8 पैर? आपने सही पहचाना, ऑक्टोपस। पर क्या आपको पता है ऑक्टोपस जो है वो कितनी भी छोटी जगह से निकल सकता है, चाहे भले ही वो होल बस 2 सेंटीमीटर का ही क्यों ना हो, पर इसके पीछे का रीजन क्या है? दरअसल ऑक्टोपस में हड्डी नहीं होती है और बस मसल्स होते हैं जिसे वो अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, और ऐसा करके वो छोटे से छोटे होल से निकल जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों अगर आपने कभी भी सिक्कों को गौर से देखा होगा तो नोटिस किए होंगे कि सिक्कों के एकदम नीचे एंड में एक डॉट होता है। पर क्या आपको पता है ये डॉट क्यों होता है? नहीं तो मैं बताता हूँ। अगर सिक्कों के नीचे डायमंड शेप बना होता है तो वो सिक्का मुंबई में बना है, और अगर सिक्कों के नीचे स्टार शेप है तो ये हैदराबाद में, और अगर एक डॉट है तो नोएडा में। और कभी कभी ये सिक्के इंडिया में नहीं बनते, तब इसके नीचे सी शेप बना होता है और कुछ सिक्कों में ओ। नंबर 1, जब भी करेंसी की बात आती है तो सब लोग काफी नाराज होते हैं क्योंकि इंडिया की करेंसी यूएस के सामने कम है। 1 INR = 70 US dollar, पर इंडिया की करेंसी सबसे कम नहीं है। पर आज आपको हम बताने वाले हैं सबसे कमजोर करेंसी के बारे में। तो दोस्तों सबसे वीकेस्ट करेंसी है इराक की, जो काफी ज्यादा गरीब देश है, और यहाँ कुछ ही लोग हैं जिनके पास पैसे हैं और बाकी पूरा देश गरीबी में है, और यही वजह है कि इसकी करेंसी इराक रियाल सबसे कमजोर करेंसी है। इंडिया का 1 रुपया यहाँ 571 रुपीज होते हैं और यूएस का 1 डॉलर यहाँ 40,000 रियाल से भी ज्यादा होता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।